भारत का इतिहास बहुत ही व्यापक है। यहाँ कई ऐसे स्थान हैं जो अपने आप में इतने रहस्यमय हैं कि आज जब विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है, फिर भी उनके रहस्यों को सुलझाया नहीं जा सका है। बिहार, ये भारत का एक ऐसा राज्य है जिसका नाम सुनते ही इंसान के दिमाग में बौद्ध धर्म से जुड़े मंदिर, स्तूप और मोनास्ट्री का ख्याल आता है। ये राज्य विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी भी रहा है। आज के समय में भले ही बिहार की पॉलिटिक्स ज़्यादा चर्चित हो, लेकिन ये वही राज्य है जहां महात्मा बुद्ध को बौद्ध की प्राप्ति हुई थी। साथ ही मगध के राजा बिंबिसार को दिए गए उनके प्रवचन भी इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हैं। लेकिन बिहार में गुफाओं का एक ऐसा जोड़ा है जिनकी बनावट ही एक अजीबोगरीब रहस्य के जैसी है। हम आपको बता दें कि राजगीर शहर बिहार में स्थित सोन भंडार नाम का रहस्यमय गुफाएं भी हैं जो बैभर पहाड़ी के दक्षिण में मौजूद हैं। सोन भंडार गुफाओं का रहस्यमय होना और उनकी अद्भुत बनावट पर्यटकों को खूब आकर्षित भी करती है। इसके अलावा इनका नाम ये जो स्पष्ट करता है कि निश्चित तौर पर इन गुफाओं का सोने से कुछ न कुछ सरोकार भी अवश्य है, पर्यटकों को भी यहाँ खींच लाता है। दोनों गुफाओं में से पश्चिम में स्थित गुफा को सोन भंडार कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि आज भी इस गुफा में सोने का खजाना मौजूद है। इस गुफा की कारीगरी को देखकर ये मालूम होता है कि इसका संबंध मौर्य शासन से है। मौर्य शासन काल में गुफाओं में सामने बरामदा बनाया जाता था और उसके ऊपर छत भी होती थी। इस गुफा की दीवार चौकट पर कई शिलालेख मिले हैं। इसके अलावा दीवारों पर भगवान विष्णु की छवि भी उकेरी गई है, जिसे देखकर लगता है कि संभवतः इसे हिंदू पूजा स्थल के तौर पर भी अपनाया गया होगा। इन गुफाओं के विषय के बारे में ये माना जाता है कि मौर्य सम्राट बिंबिसार ने अपने बेशकीमती खजाने को छिपाने के लिए एक बड़े पहाड़ को खोखला करवाकर गुफा का निर्माण करवाया था। इस गुफा में दो बड़े कमरे बनवाए गए थे जिसमें से एक में से सैनिक रुकते थे और दूसरे कमरे में खजाना रखा होता था। हम आपको बता दें कि ऐसा माना जाता है कि जिस गुफा में सोना रखा जाता था उसे बिंबिसार ने बड़े से पत्थर से ढकवा दिया था। इस पत्थर को आज तक हटाया नहीं गया है, तो इसका मतलब ये है कि आज भी इन गुफाओं में खजाना छिपा हुआ है। आपको बता दें कि अंग्रेज भी इन गुफाओं में छिपे खजाने को निकालने के लिए इस पर तोप से हमला भी कर चुके हैं। तोप के गोलों के निशान तो आज तक इन गुफाओं पर मौजूद हैं, लेकिन इस पत्थर को हटाने में वो भी नाकाम ही रहे थे। हम आपको बता दें कि मौर्य शासक बिंबिसार ने इस गुफा में छिपे खजाने तक पहुंचने का रास्ता भी शंख लिपि से उकेरा है। इस गुफा में बाहर शंख लिपि में कुछ लिखा हुआ है और माना जाता है कि ये गुफा को खोलने का तरीका ही बताता है। ये दोनों गुफाएं चट्टान को काटकर उसके भीतर बनी हुई हैं, जो कि
अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत है। इनमें से एक पहाड़ी के भीतर से मिले अभिलेखों के अनुसार ये जानकारी मिली है कि तीसरी चौथी शताब्दी में महान जैन संत मुनि वैरा देवी ने अन्य जैन योगियों के लिए इन गुफाओं का निर्माण किया था। हम आपको बता दें कि पुरातत्व वैज्ञानिकों का कहना है कि ये दोनों ही गुफाएं लगभग एक ही समय के आसपास बनाई गई हैं। यूं तो भारत के अन्य राज्य के जैसे आंध्र प्रदेश में कई ऐसे मंदिर भी हैं जो गुफाओं के भीतर मौजूद हैं, लेकिन राजगीर बिहार में स्थित ये गुफाएं भी जैन धर्मावलंबियों के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। भारत में ऐसी बहुत ही कम गुफाएं हैं जो चिकनी और परिष्कृत हैं। सोनभंडार गुफा उन्हीं में से एक है। सामान्य तौर पर गुफाएं खुरदरी होती हैं, लेकिन सोनभंडार गुफाओं का चिकना होना पूरी तरह से असामान्य है। जिस योजना के तहत सोनभंडार गुफाओं का निर्माण किया गया है वो मौर्य शासनकाल से संबंध रखती है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ये गुफाएं बहुत ही पुरानी हैं। इन गुफाओं के अंदर और बाहर कई ऐसे अभिलेख मिलते हैं जो ये बताने के लिए बहुत ही काफ़ी हैं कि इनका निर्माण 5वीं शताब्दी के आसपास ही हुआ होगा। ये अभिलेख वहां आए तीर्थयात्रियों के द्वारा लिखे गए हैं। इस गुफा के बाहर से गरुड़ासन में बैठे भगवान विष्णु की मूर्ति भी मिली हुई है, जिसे या तो यहां स्थापित किया गया था या फिर स्थापित किया जाना था। आज ये मूर्ति नालंदा के एक म्यूजियम में मौजूद है। हम आपको बता दें कि इन गुफाओं के बारे में ऐसा माना जाता है कि मौर्य सम्राट बिंबिसार ने अपने कीमती खजाने को छिपाने के लिए एक बड़े से पहाड़ को खोखला करवाकर इस गुफा को बनवाया था। इस गुफा में दो बड़े कमरे थे, जिसमें से एक में तो सैनिक रहा करते थे और दूसरे कमरे में खजाना होता था। जिस गुफा में खजाना होता था उसे बिंबिसार ने बहुत ही बड़े पत्थर से ढकवा दिया था ताकि कोई इस खजाने को पा ना पाए। इस पत्थर को आज तक हटाया भी नहीं जा सका है, तो इसका मतलब ये है कि आज भी इन गुफाओं में खजाना छिपा हुआ होगा। हम आपको बता दें कि इस खजाने की लालच में अंग्रेज भी इस पर तोप से हमला कर चुके हैं, लेकिन तोप के गोलों के निशान तो आज तक इन गुफाओं पर मौजूद हैं, लेकिन पत्थर को हटाने में वो भी नाकामयाब रहे थे। मौर्य शासक बिंबिसार ने इस गुफा में छिपे हुए खजाने तक पहुंचने का रास्ता एक शंख लिपि में लिखा हुआ है, और इस शंख लिपि में लिखे हुए शब्दों को माना जाता है कि ये गुफा को खोलने का तरीका मालूम होगा या फिर ये गुफा के खोलने का कोई नियम होगा जिसको कि इस पे लिखा गया है। ये दोनों गुफाएं चट्टान को काटकर उसके भीतर ही बनाई गई हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत हैं, जो कि ये दर्शकों को भी अपनी ओर देखने के लिए आकर्षित करती हैं, और इस गुफा को देखने के लिए दर्शक भी भारी मात्रा में पहुंचते हैं।